नागौद में बहने वाली अमरन नदी को सदा नीरा बनाने और उसके किनारों का सौंदर्यीकरण किए जाने की आड़ में जमीन पर कब्जे का खेल सामने आया है। पिछले कई दिनों से खोदकर नदी के किनारों को नुकसान पहुंचाने और जमीन कब्जा करने की कोशिश की भनक पहले तो प्रशासन को भी नहीं लगी, लेकिन जब लगी तो अफसरों के भी होश उड़ गए। हासिल जानकारी के मुताबिक नागौद में पटपड़नाथ मंदिर के पास अमरन नदी के तट पर कब्जे की कोशिश की गई है। यहां नदी के किनारों को खोदकर उसकी मिट्टी निजी जमीन पर पलटा दी गई है। नदी किनारे बने घाट को भी क्षति पहुंचाई गई है। यही नहीं, बोरी बधान बना होने के बावजूद स्टॉप डैम के नाम पर यहां मिट्टी डालकर कच्चा रपटा भी बना दिया गया है ताकि इस छोर से नदी के उस छोर तक पहुंचा जा सके। इससे नदी का पानी भी रुक गया है। बड़ी बात यह है कि यहां पर खेल पिछले कई दिनों से दिन दहाड़े चल रहा था। देखने वाले यही समझ रहे थे कि यह सारा काम अमरन नदी के तट को सुंदर बनाने के प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, लेकिन यहाँ चल रही कहानी कुछ और ही थी। इस पूरे खेल में जीतू सोनी और चंदन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि चंदन अग्रवाल यहां गंगा आरती के नाम पर खेल कर रहे हैं, जबकि जीतू सोनी ने नदी किनारे की जमीनें खरीद रखी हैं। जीतू ने ही अपनी जमीन का दायरा इस हद तक बढ़ाया कि नदी का किनारा भी उसकी ही अराजी का हिस्सा बन जाए। नदी का तट खुदवा के मिट्टी भी उसी ने अपनी जमीन पर डलवाई है। मामला संज्ञान में आने पर SDM धीरेन्द्र सिंह ने टीम बनाकर मंगलवार को जांच कराई तो जमीन पर कब्जे का खेल सामने आ गया। पिछले दिनों जहां प्रशासन ने नाप कर घाट निर्माण का प्रोजेक्ट बनाया था, वह जमीन जीतू सोनी ने समतल कराकर अपने कब्जे में ले ली। यहां नदी तट पर 22 फुट कब्जा पाया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री विजय शाह ने नौगांव प्रवास के दौरान इन स्थानों का भ्रमण किया था। अमरन नदी के पटपड़नाथ तट पर घाट बनाने और नदी के दूसरे छोर पर इको टूरिज्म पार्क विकसित करने के प्लान की जानकारी उन्हें नागौद विधायक नागेंद्र सिंह ने दी थी। अब जब इन सरकारी प्रोजेक्ट्स की जानकारी लोगों को मिली तो वे अब जमीनों पर कब्जे के खेल में लग गए हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।